हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जोगिंदर पाल चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जोगिंदर पाल चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा मैथमेटिक्स संबंधित सवाल है। तो हमारा पहला सवाल आज का है कि 6700 ग्राम 6700 ग्राम में कितने डेका ग्राम होते हैं? दूसरा सवाल है, 6700 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं? 6700 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं? तीसरा सवाल, 6700 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? किलोग्राम। चौथा सवाल है, 6700 ग्राम में कितने मिली ग्राम होते हैं? तो चलिए पहला सवाल करते हैं, 6700 ग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं? तो हम जानते हैं कि 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होते हैं। तो 6700 ग्राम हमारे पास हैं, 6700 ग्राम में होंगे बराबर 6700/10। इस जीरो से ये जीरो खत्म, 670 बच गया, बराबर 670 डे का ग्राम होते हैं। 6700 ग्राम। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, 6700 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं? 6700 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं? हम जानते हैं कि 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम होते हैं। तो 6700 ग्राम में होंगे बराबर 6700/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बराबर 67 हेक्टोग्राम होंगे। 6700 ग्राम में, 6700 में। तीसरा सवाल, 6700 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 6700 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? हमें पता है ऑलरेडी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो 6700 ग्राम में होंगे बराबर 6700 ग्राम में होंगे 6700/1000। 10 से 0 यहाँ बराबर 6.7 किलोग्राम होंगे। कितने में? 6.7 किलोग्राम होंगे 6700 ग्राम में। तो अगला देखते हैं, चौथा सवाल देखते हैं, 6700 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तब देखते हैं, 6700 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो 6700 ग्राम बराबर हम देखते हैं, 6700 ग्राम में मिली ग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर 1000 मिली
और 6700 ग्राम में होंगे, 6700 ग्राम में होंगे बराबर 6700 गुणा 1000 बराबर 6700123 बराबर 21 दहाई सैकड़ा 1000, 10000 लाख 10 लाख 67 लाख मिली ग्राम होंगे 6700 ग्राम में। तो हमने चारों सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। पहला सवाल था 1 डेग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 670 डेग्राम होते हैं 6700 ग्राम में। दूसरा सवाल था कितने हेक्टोग्राम होंगे 6700 ग्राम में, तो 67 हेक्टोग्राम होंगे, 67 हेक्टोग्राम होंगे। तीसरा सवाल था कि कितने किलोग्राम होंगे 6700 ग्राम में, तो 6.7 किलोग्राम होंगे 6700 ग्राम में। चौथा सवाल था 6700 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो ये होते हैं 67 लाख मिलीग्राम होंगे 6700 ग्राम में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गए होंगे। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।